बहुत सारा है। तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फांगा हिंदी ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ कोक्राझार डिस्ट्रिक्ट में असम का, तो एक नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क के न्यू उसका नामकरण किया है, क्या पता है हिंदी इतना नहीं आता। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो पूरा राइडिंग ड्रेस पहन के रेडी अभी ये बाइक लेके जा रहा हूँ मैं, मेट्रो 350। तो चलिए मेरे साथ बने रहे पूरा राइट रास्ते में, पूरा मोटो ब्लॉगिंग करेगा, तो लेट्स गो। दोस्तों फाइनली मिल गया हमारा दोस्त सुजस ब्लॉग, तो ये भी ब्लॉग बना रहा है देखो कैमरा से। तो बाकी मेरा दो दोस्त अभी भी आ रहा है, वो शायद सुबह बहुत देर से उठता है, बहुत आलसी आदमी, तो अभी ये तो बहुत जल्दी आ गया। मैं थोड़ा आलसी हूँ, वो लोग ज़्यादा आलसी है, तो वो लोग लाहे लहे आ रहा है तो अभी रुकते हैं उनको, तो कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा। फाइनली आ गया हमारा प्यारा सा दोस्त, ये लोग देर से आया बुमलर पर आई बुमलर पर ये लोग तवांग से एक साथ मेरे साथ गया था, अभी ये दोनों आ गया, बहुत देर से आया लेकिन आ गया, अभी हम लोग जाते हैं। तो गाइस अभी हम सब लोग निकल चुके हैं, मेरा ग्रुप पूरा एक साथ मिल के राइड कर रहा है, अभी ये आगे और एक पीछे, तो अभी चलते हैं इधर से। रास्ता में अभी रुका हुआ है हम लोग, अभी 24 किलोमीटर है जाने के लिए, तो मतलब इतना दूर है ना, बहुत पसीना पसीना हो गया, मतलब क्या बहुत कष्ट हो गया, तो अभी इधर से जाना पड़ेगा। ये पूरा 4 लेन बहुत अच्छा लग रहा है ये रास्ते में जाके, तो बाकी डायरेक्ट पार्क में मिलते हैं। गाइस फाइनली ये देखो इधर बैनर लिखा है रायमोना नेशनल पार्क, क्या क्या मतलब वहाँ पे जीव जंतु मिलता है वो लिखा हुआ है। अभी इधर हम टिकट लेगा, मेरा नाम पे एंट्री होगा, टिकट लेके हम जाएगा इस गाड़ी में। ये देखो हमारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो इधर हम बैग चेक रख लिया है, तो सब रेडी, अभी तो पूरा जाएगा धमाका होगा, इधर से पूरा खाना वाना लेके जाएगा, 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो पूरा सब जगह लेके जाएगा वो रोटी उसके साथ क्या लेगा पता नहीं। तो गाइस अभी हमने पूरा खाना पीना ले लिया, ये देखो पूरा बियर, व्हाइट बियर, यहाँ पर बिरयानी है और नीचे चिकन, पूरा खाना वाना लेके अभी जाएगा हम सारो, वहाँ पे जिप्सी ड्राइवर है और एक हमारे साथ गार्ड जाएगा। इधर पूरा 1100 रुपये ले लिया और गाड़ी में देना पड़ेगा 2600, पूरा फटका पड़ गया हमको। अभी पूरा जाएगा जिप्सी से, अभी तो पूरा देखेगा कितना जीव जंतु दिखता है पता नहीं। पूरा रेडी गाड़ी में उठ के, तो अभी ये दोनों पूरा आगे बैठ रहा है, दोनों पीछे हम ऑलवेज लास्ट बेंचर, तो अभी इधर से जाएगा देखो पूरा जा रहा है पूरा इधर से किधर से जा रहे हो तुम, पूरा जिप्सी लेके जा रहा है, अभी गेट नहीं पहुंचा है, तो गेट थोड़ा दूर में है, तो ये लोग मेरा भांगा हिंदी सुन के हंस रहा है, लेकिन मेरा चैनल का नाम ही है भांगा हिंदी, तो क्या करें भांगा हिंदी बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से हिंदी जानता हूँ भांगा हिंदी की तरफ से मेरा नाम भांगा हिंदी ब्लॉग। तो गाइस फाइनली मिल गया हमको पूरा नेचुरल प्लेस, ये देखो ओ वो रहा गाय गोरु, हम देखने आया था गौर लेकिन मिल गया गाय। तो अभी इधर से वो वाला भूटान पहाड़, क्या ना भूटान पहाड़ क्या दिखाएगा, हम रोज दिखाता है भूटान पहाड़। हम पहुंच गए रायमोना नेशनल पार्क, ये देखो सोनाली बंदर, ये देखो हाथी जो इसके घर के पास हमेशा निकलता है
और हमारा ऑफिस के सामने भी बहुत जाता है ऐसे ऐसे पार होके। हाथी मेरा साथी। अच्छा हाथी मेरा साथी। अरे हम पूरा खुश के एकदम घने जंगल के बीच में, तो इधर क्या हो सकता है, बाघ शेर या फिर फूट भी हो सकता है, पता नहीं। रात को तो इधर फूट निकलता है, तो पूरा थोड़ा डरावना है अभी इधर, थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कहां से क्या निकल के आएगा पता नहीं। इधर देखो एक पेड़ गिरा हुआ है गाइस, इधर से अभी कुछ गया है, पता नहीं क्या गया, अभी यहाँ तो कुछ था, शेर भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, लेकिन सच में बोले तो इधर बंदर था, बंदर मंकी। तो हम लोग क्या मंकी से कम है क्या, हमारा पूर्वपुरुष पूरा बंदर था। तो गाइस इधर पूरा हाथी था, हाथी बहुत हाथी इधर, लेकिन दिख नहीं रहा है, ये पूरा जंगल हो गया ना, बहुत डर लगता है हाथी से मुझे, पूरा आवाज़ किया करके आवाज़ की देख लिया। अभी थोड़ा टाइम पहले इधर एक पक्षी में दिखा था जो बहुत छोटा छोटा था, एकदम कोकिला के जैसा, लेकिन कैमरा में वे नहीं आया क्योंकि बहुत छोटा था, तो दुख हो गया बहुत, जूम करके भी शायद नहीं आएगा, डीएसएलआर से नहीं आया, GoPro से क्या आएगा, तो कुछ नहीं होगा। अभी तो ऐसे ही एडवेंचर हो रहा है, देखो पूरा ऐसे बैठ के, ऐसे पूरा बैग बैग लेके, इधर कुछ तो है पूरा पक्षी। तो गाइस इधर देख सकते हैं गोरु, असम का गोरु से हरिण हरिण यही रास्ता বহুত হরিণ পার হয়ে আছে। अरे गाइस फाइनली मिल गया हमको भूटान बॉर्डर, इधर से ये रहा भूटान बॉर्डर, इंडियन या भूटान। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गया एकदम बॉर्डर, भूटान बॉर्डर में, वो देखो एक घर, वहाँ पे भूटान का वो आर्मी लोग रहता है, ये भूटान का बॉर्डर, इधर पूरा डियर रहता है, और ये रहा भूटान का फॉरेस्ट एरिया, और ये है इंडिया का फॉरेस्ट एरिया, ये रहा पिलर जो है वो अपना, वो क्या बोलते हैं बॉर्डर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है गोल्डन लैंगूर है, बहुत सारा है इधर ऊपर, इधर पूरा जूम करके दिखाने से भी थोड़ा मतलब वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाता है, फिर भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जम कर रहा है, देखो बहुत सारा है इधर, बहुत सारा, क्योंकि ये रायमना में गोल्डन लैंगूर बहुत सारा मिलता है। तो फाइनली मिल गया हमको देखने को, हम खोली आँखों से तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन कैमरा में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं होता है, ये ऊपर बहुत बहुत सारा है इधर। फाइनली तो गाइस फाइनली हम पूरा भूटान बॉर्डर में है अभी, ये देखो ये नदी के उस पर भूटान बॉर्डर है, तो देखो तब जब दिखा था तब भूटान बॉर्डर तो एंगल करके था, तो इस एंगल में इधर हमारा इंडिया पर गया अभी नदी। तो गाइस वहाँ देखो वो वाला हाथी मेरा साथी, पूरा उसका परिवार के साथ, पूरा कितना बड़ा बड़ा दांत, तो गाइस वो जो रास्ता था उस रास्ते से हम गया था, अभी इस रास्ते से हम सर्कल मार के आ गया। तो वन वर्ड में बोलो तो एडवेंचर, आज पूरा राइड मतलब एडवेंचरस था, राइड भी था उसमें एडवेंचर भी था, बहुत मज़ा आया। अभी रात को जाने में बहुत मज़ा आएगा, ठंड में ऐसे ही बीमार हो गया, आने के टाइम ही मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था, अभी तो जाने के टाइम रूम में जाके तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, फिर भी यादगार रहेगा ये राइड। गाइस फाइनली हमारा राइड ख़त्म, रायमना नेशनल पार्क फिर से आ गया,
गेट पे। तो ख़त्म हो गया हमारा राइड, तो अभी इधर से चलते हैं। और इधर आके बहुत अच्छा लगा, सच में बोलने से बहुत अच्छा लगा, बहुत एडवेंचर राइड था। इतना कुछ नहीं देखा, इतना नहीं दिखा पाया आप लोगों को, लेकिन जो एडवेंचर हुआ, जो जितना मज़ा आया ना, पूरा मतलब एंजॉय हुआ बहुत। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।